भोजपुर में सूर्य नाटक क्लब द्वारा दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंडलाध्यक्ष मोतीलाल जोशी ने शिरकत की। वह सभी को इस पर्व की बधाई दी और साथ ही अच्छे कार्य करने का संदेश भी दिया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया व सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए भी कहा। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह पर्व हमें दर्शाता है कि हमें ये रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस दिन श्री राम ने बुराई पर जीत हासिल की थी। हमें भी संदेश दिया है कि हमें अच्छे कार्य ही करने चाहिए व तो यह याद रखते हुए यह पर्व हर वर्ष दशहरा मना। धीरे शर्मा प्रधानाचार्य स्कॉलर यूनिफाइड स्कूल की ओर से, बच्चों की ओर से और स्टाफ की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजय कुमार, प्रोप्राइटर यूनिवर्सल पुलिस स्टेशन एंड यूनिवर्सल बुक डिपो, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को देता हूं। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमराज शर्मा, डायरेक्टर जगत हॉस्पिटल, अपनी ओर से तथा अपने स्टाफ की ओर से विजयदशमी की शुभकामनाएं। मैं संतोष सैनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर सहकार भारती, सभी देश और प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देती हूं। मैं बलवीर बग्गा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ऊना, सभी प्रदेशवासियों को और जिला को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं कि सभी वो दशहरा जो है मंगलमय हो। उदित कुमार नायक, तहसीलदार ऊना, अपनी ओर से पूरे प्रदेश एवं देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर निधि शर्मा, आरोग्य निकेतन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ऊना से सभी भारतवासियों और सभी प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देती हूं। मैं रवि जैलदार, बीडीसी सदस्य मलाहत, मदनपुर रामपुर, देश और प्रदेशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चरण सिंह, गांव मलाहत, प्रधान, गांव व प्रदेश वासियों को दशहरे की शुभकामना और बधाई देता हूं। मैं कुमार लवली एंड पार्टी, सारे म्यूजिकल ग्रुप, अपने सहयोगियों, अपने साथियों, अपने परिवार की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हिमाचल एक्सप्रेस टीम को दशहरे व नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूं।